बहुत बड़ा बयान एक योगी आदित्यनाथ ने दिया है, सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन हिंदू धर्माचार्य भी उनके समर्थन में खड़े हो गए। मैं आपसे पूछूं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के पीछे क्या पार्टी की भी कोई सोच है? उससे पहले मैं बहुत जल्दी तीनों धर्माचार्यों से पूछना चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप कैसे ले रहे हैं। सबसे पहले आचार्य दीपी शास्त्री, आपसे शुरुआत करी थर्टी सेकंड्स में। अगर आप देखिए, बहुत सारी शुभकामना पहले जन्माष्टमी के, उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए आज महापर्व है, हम सबको एकत्रित करने के लिए आह्वान किया। हम यज करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, करोड़ों लोग पूरे विश्व में आज उत्सव मना रहा है। उन्होंने कह दिया आप एक साथ होकर के अपने कर्म को पूरा करें, अपने संस्कृति को बचाएं, तो इसमें क्या बुरा है? बहुत अच्छा बात बोला है। और हमारे संस्कृति सनातन का उदय के लिए उन्होंने आह्वान किया है, इसीलिए आज जनमानस को जागे हुए और जागने के साथ संस्कृति का आह्वान किए हैं, हम उसको समर्थन करते हैं। आप समर्थन करते हैं दयानंद जी, इस पर बहुत राजनीति भी हो रही है, एकदम राजनीति करना व्यर्थ है। मैं आर भारत के आपको नेशनल चैनल इंटरनेशनल है, इसको करोड़ों हिंदू देखते हैं, और मैं ये मानता हूं कि योगी जी का जो बयान है वो वेद के अनुसार है। सम गच्छत्वा सम बदन्वा अहम् ब्रह्मास्मि अयम् आत्मा ब्रह्म तत्मसि प्रज्ञान ब्रह्म। मैं नाथ समाचार का अवधूत हूँ, और गुरु ये आदित्यनाथ जी के गुरु जो है वो रामनाथ पर थे, उसमें मैं था। मैं कह रहा हूँ आज हिंदुओं को ये राहुल गांधी बताने के लिए बोल रहा है जात जात होगी। अरे हम सभी ब्रह्म है, ऑल आर इक्वल, नो डिफरेंस बिटवीन यू, हम सभी हिंदू एक है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न जाट है, गुजर है, न कोई ठीक दलित है, मैं सभी हिंदू है। आचार्य जी, सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने इस बयान से सियासतदानों को भी बड़ा संदेश दिया है? आचार्य कृष्णगिरी, अगर आप इस पर बोले जल्दी से, उसके बाद में सियासी डिबेट पर। बांग्लादेश की हिंसा के बाद बहुत जरूरी था कि योगी जी इस प्रकार का बयान दें, और हिंदू समाज अपेक्षा भी कर रहा था योगी जी इस पर बोलेंगे। वो बोल तो जरूर रहे थे बीच बीच में, लेकिन आज जिस प्रकार से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, उस अवसर पर आगरा से जो उन्होंने आवाज दी है, मुझे लगता है पूरे भारत वर्ष के हिंदू समाज के कानों में जाएगी और हिंदू समाज संगठित होगा। क्योंकि जब जब हिंदू बटता है तब तब हिंदू कटता है, और 2014 के बाद जब से हिंदू समाज संगठित हुआ है, आप देखिए देश में कोई हिंसा नहीं हुई, कोई उग्रवाद नहीं फैला, संपूर्ण शांति है, और इसकी आवश्यकता भी इस देश में बनी हुई है कि इसी प्रकार की शांति बनी रहे। क्योंकि बांग्लादेश के बाद जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने एक आवाज़ उठाई, भाई बांग्लादेश जैसी घटनाएं भारत में भी हो सकती हैं, तो ये जरूरी था कि हिंदू समाज को संगठित किया जाए, जातियों में ना बटे। हम अगर संगठित रहेंगे, 80% बहुसंख्यक समाज अगर संगठित रहेगा, तो जो दूसरे लोग हैं उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी हिंसा जैसी कार्रवाई करने की। इसलिए उनका ये बयान जरूरी भी था और बहुत अच्छा बयान है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वो बयान जरूरी भी था। अब सीधी बात ये है, एक बार शिवम जी को और वरुण जी को स्क्रीन पर ले लीजिए, मैं इस पूरे डिबेट को जरा खोलना चाह रही हूँ, इसमें सियासी जो किरदार है उन पर जाना चाह रही हूँ। अब सीधी बात ये है, वरुण जी और शिवम जी को स्क्रीन पर लीजिए जरा। वरुण जी, सीधी बात ये है कि आपके जो नेता हैं वो तो मिस इंडिया में भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वहां पर भी रिजर्वेशन हो जाए, वहां पर कोई दलित नहीं है, वहां पर कोई आदिवासी नहीं है। सवाल ये है कि देश में बहुत से लोग ये मानते हैं, और आपने धर्माचार्यों को सुना कि जाति के एक टूल के जरिए देश में जातिगत जनगणना के जरिए विभाजन की कोशिश होती है, उसी के खिलाफ एक संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया, आप सहमत हैं? सुचारिता जी, महाभारत के धर्म रक्षा के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आपको शुभकामनाएं। आप भी महाभारत के केंद्र बिंदु हो, पूरे विश्व को, पूरे देश को आप सारी चीजें सच्चाई दिखाते हो, आपको शुभकामनाएं। आपको देखिए, 4 जून के परिणाम के बाद से योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बड़ी धर्म संकट की स्थिति हो गई है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी एक कॉन्फिडेंट थी कि उत्तर प्रदेश में तो हम सारी सीटें भी लाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसे, वहां इनको जबरदस्त सेटबैक लगा, उसके बाद से वो किसी न किसी रूप में अपने को वापस चुनाव की तैयारी करने के प्रयास कर रहे हैं।
आपने, आपको याद होगा जब आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी, वैसा रिपीटिशन करने का प्रयास, वैसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैं इसको कहता हूँ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, क्योंकि हिंदू हिंदू कर रहे हो, हिंदू तो है नहीं, भारत भारतीय संस्कृति की बात है। अगर जितने गुरुजन बैठे हैं अगर ये मुझे बताएं हिंदू शब्द का किस किस शास्त्र में उपयोग हुआ तो मैं इनको सल्यूट करूंगा। भारतीय संस्कृति जवाहरलाल नेहरू ने बांट दी आपको, आज भी पूरा देश एक है और बोल दिए कि वहां तो पैदा कुछ नहीं होता है। क्या बात करते हैं जनाब, फोन करके बोलिए हम क्या बोले हैं। अच्छा ठीक है, संस्कृति ये संस्कृति, साधुओं पर गोली चल रही है क्या आप? अच्छा ये संस्कृति है दूसरे को बोलना। अच्छा एक मिनट, दयानंद जी, संस्कृति चाहते हो देश में, ऐसा माहौल चाहते हो, डिबेट को थोड़ा ओपन, ऐसा माहौल चाहते हो क्या देश में, दूसरे को बोलने नहीं दोगे? करते हैं, हम तो सनातन है, हम तो सबको लेकर के चलते हैं। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, जब आपने बोला ये ऐसी संस्कृति है। देखिए देखिए दयानंद जी, मैं आपको बताऊं, वरुण जी भी सनातनी है। अब ये सियासी मजबूरी एक है कि वो उनको अपने नेता का स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन जरा बताइए वरुण जी, जल्दी से जवाब दीजिए उसके। नहीं मैं उस पर भी वरुण जी अभी बोलने नहीं देंगे, लोकतांत्रिक को व्यवस्था ही नहीं जानते, बाबा बन गए सब। बोलिए, बाबा बनने का अर्थ है सबसे पहले लोकतंत्र। नहीं, ये मत बोलिए कि बन गए। नहीं वरुण जी ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये मत कहिए कि बन गए। मैं आपसे ये रिपोर्ट कर रही हूं, बोलने नहीं दे रहे इस तरह का बयान तो सर मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करती हूं। मैं गुरुजन बोला सबको, मैं तो गुरुजन बोला इनको, शुरू में ही गुरुजन बोला, प्रणाम किया इनको सबको मैंने। मेरी रिक्वेस्ट है आप मुझे चुप कर दो, इनको बोलने का मैं चुप हो जाऊंगा जी। बोलिए वरुण जी, कंप्लीट करिए, मैं शिवम जी के पास जाऊंगा। देखिए जो देश है वो आम जनता मानसिक की जो है ना, आर्थिक रूप से मानसिक रूप से 2014 के बाद से प्रताड़ित हो रही है। और कौन प्रताड़ित हो रहा है? सबसे ज्यादा हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। नोटबंदी से किसका धंधा बंद हुआ, किसकी फैक्ट्रियां बंद हुई, किसका रोजगार गया, हिंदू का गया? आप जब, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता नहीं, पर क्योंकि डिबेट आप ऐसी कर रहे हो तो हिंदू जो है प्रोग्रेसिव डायनेमिक सोसाइटी है, हिंदू तो सबसे लिबरल होता है, हिंदू सबसे डेमोक्रेटिक हो रहा है, और हिंदू को कट्टरवाद में आप उलझाना चाहते हैं। देखिए वरुण जी, आपने फिर से ऐसी बात कही जिस पर मुझे बोलना पड़ेगा। आपने कहा आप डिबेट ऐसी कर रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, लेकिन आप डिबेट ऐसी कर रहे हैं। शिवम जी, समस्या सिर्फ इतनी सी है कि अगर बांग्लादेश से सीख लेकर एक संदेश दिया गया है कि यहां पर बटना नहीं है, और बटने के खिलाफ मुझे तो लगता है एकजुटता का एक संदेश है, और अगर एकजुटता का संदेश नहीं है, वरुण जी कह रहे हैं कि ये बयान इन्हें देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी तक वो यूपी को भूल नहीं पाए हैं जो हार मिली है आप लोगों को, तो ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। एक तो बहुत अच्छी बात ये भी कही कि एक रहोगे नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। एक रह के दंगा करने के लिए नहीं बोला है, तो हम तो एक भी रहेंगे नेक भी रहेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कहीं कोई शक है क्या? किसी को अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती नजर आती है तो आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए। जातियों में बटकर अगर किसी को फायदा होता है तो वो मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को होता है, वो सरकार में होते हैं तो दंगे होते हैं। जातियों में बटकर अगर किसी को फायदा होता है तो वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को होता है, वो सरकारों में होते हैं तो भूरा बाल साफ करो का नारा देते हैं। ये तो रियलिटी है, जब आप बट जाते हो चीजों में, अलग अलग तरह की स्थितियां बन जाती हैं, तो कश्मीर जैसी स्थिति में कट जाते हो, ये रियलिटी है। अब इसको कौन डिनाई कर सकता है भाई, सब सामने है आपके। अगर आप बट जाते हो तो आपका बांग्लादेश वाली स्थिति में आप कट जाते हो, ये रियलिटी है। अगर इकट्ठे होकर यूनाइट होकर प्रतिकार करते हो तो कहीं जान बच पाती है, ये रियलिटी है आपकी। और वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, कहीं भी चले जाइए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और यूनिटी कब से बुरी है, एकता में तो शक्ति है भाई। मैं तो कहता हूं वरुण पुरोहित जी को भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए और धन्यवाद कहना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। भाई एकता कौन, ये गुरु कौन क्या सिखाते हैं? एकता सिखाते हैं। परिवार में मां बाप क्या सिखाते हैं? भाई बहन को एकता सिखाते हैं। अगर कोई संगठन है तो उसमें क्या कहा जाता है कि भाई एकता रखिए। एकता रखना कहना क्या बुराई है इसमें? और जब आदमी एकता नहीं रखता है तो वो कटता ही है, ये रियलिटी है। तो बहुत सीधी बात है, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल ठीक बयान है, परिपेक्ष भी बिल्कुल सटीक है। हाँ, जातिवाद को लेकर चाहे आप बट रहे हैं गलत है, समाज को लेकर बट रहे हैं गलत है, रंग भेद को लेकर बट रहे हैं गलत है, लिंग को लेकर बट रहे हैं गलत है, मत बटिए। और अगर इस तरह का मैसेज है तो मैं तो मानता हूं सबको खुशी होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है भाई इसमें, बटेंगे तो कटेंगे, ये रियलिटी है।